नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं फिर से आपके सामने WBPSC के ऊपर एक रिकमेंड देके आया हूँ। और आज का जो जॉब है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन से आपको रिकमेंड किया जा रहा है, और टोटली मेडिकल ऑफिसर के लिए। क्योंकि मुझे बहुत दिनों से कमेंट्स आ रहा था कि वेस्ट बंगाल का मेडिकल ऑफिसर का जो पोस्ट है वो कब सामने आएगा, जब कब मतलब आप लेके आएंगे। तो चलो मैं उस डिटेल्स को आपके साथ डिस्कशन करूंगा। तो यहाँ पे जो जॉब है वो 300 वैकेंसी मतलब वैकेंसी आपके सामने दिया गया है। तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। आपका क्वालिफिकेशन के साथ साथ, आपका एडुकेशन क्वालिफिकेशन के साथ साथ, आपका एज लिमिट, आपका सैलरी पैकेज, और साथ ही साथ जॉब किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसका लिंक कहाँ पे मिलेगा, सब कुछ मैं इस वीडियो में डिस्कशन करूंगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा। और उसके साथ साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर सकते हैं, नीचे लिंक्स है जहाँ पे पहले सबसे पहले आपको अपडेट मिल जाएगा। और उसके साथ में ये भी कहूंगा, आप अगर किसी भी कॉर्पोरेट जगह पे काम करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कंप्यूटर स्किल सीखना बहुत जरूरी होता है। तो आप मेरे इस चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, और उसके बाद यहाँ पे आपको एक सेक्शन दिखेगा, वो है कंप्यूटर कोर्स का। तो यहाँ पे इन डेप्थ में सारे एक्सेल फॉर्मूला के आपके साथ शेयर किया हूँ, सारे एक्सेल का टिप्स और ट्रिक आपके साथ शेयर किया हूँ, जिसको आप सीख कर आप किसी भी जगह पे इंटरव्यू को क्रैक कर सकते हैं, और किसी भी जगह पे जाकर आप इंटरव्यू को मतलब पास आउट भी कर सकते हैं। और अगर आप जॉब कर रहे हैं तो आपको बहुत हेल्प होगा इस तरीके से वीडियो देखने के बाद। तो चलो देख लेते हैं जॉब के डिटेल्स के बारे में। सबसे पहले मैं जॉब के डिटेल्स के बारे में बात करूं तो WBPSC के जो जॉब है इसमें आपको एक चीज बता दूं, वेस्ट बंगाल में आपको जॉब मिलेगा, और 300 से वैकेंसी आपको देखने को मिला है। और आप देख सकते हैं जनरल डिप्टी मेडिकल ऑफिसर के लिए पोस्ट है, तो जनरल ड्यूटी ऑफिसर के लिए पोस्ट है मेडिकल ऑफिसर के लिए। तो इस जॉब के लिए आपको 36 से 40 ईयर्स तक एज लिमिट दिया गया है। एक बात याद रखिएगा, इस जॉब के अप्लाई करने के लिए आपका एक्सपीरियंस का जरूरत है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है तो आप अप्लाई नहीं कर पाएंगे। तो मैं चलो और भी डेटा दिखा देता हूँ। पहले रिटिन टेस्ट आपको देना पड़ेगा MCQ टाइप क्वेश्चन का, और उसके बाद आपका इंटरव्यू भी देना होगा। और सैलरी पैकेज के बारे में बात करें तो 56,000 से 1,44,300 तक आपको पर मंथ सैलरी पैकेज मिलेगा। अभी एप्लीकेशन का जो फीस है वो करीबन जनरल OBC SC ST ये सारे लोगों के लिए ऑब्वियसली फ्री है। सॉरी, जनरल OBC के लिए ₹160 देना पड़ेगा, और बाकी SC ST के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। एडुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करूं तो आप देख सकते हैं मेडिकल जॉब के लिए आपको मेडिकल क्वालिफिकेशन होना चाहिए, और मतलब आपके जो फर्स्ट एंड सेकेंड जो शेड्यूल है, पार्ट टू का जो शेड्यूल्स है और थर्ड जो शेड्यूल्स है उसको आपको मेडिकली जो एक्ट 1956 के हिसाब से आपको मेडिकल जो प्रैक्टिसेस है उसको पास आउट करना है, और आपको कोई भी मेडिकल सर्टिफिकेट होना चाहिए कोर्स का, और 6 मंथ का आपका कोई भी प्रैक्टिस ट्रेनिंग के पोस्ट मतलब आप किसी भी जगह पे ट्रेनिंग ले चुके हैं तो ही आप अप्लाई कर पाएंगे। तो इस जॉब के जो लास्ट डेट रहेगा वो अक्टूबर 2023 में इसका लास्ट डेट रहेगा। और एक चीज मैं आपको बता दूं, इसका लास्ट डेट देखने के बाद आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई बटन में क्लिक करिए, जो लिंक्स में आपके साथ शेयर किया हो नीचे आपको लिंक मिलेगा। तो पहले नोटिफिकेशन में क्लिक करना, तो इस पेज ओपन हो जाएगा, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन के सारे जानकारी मिल जाएगा, जितने सारे पोस्ट है, जितने सारे वैकेंसीज है, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। उसके बाद आप अप्लाई बटन में क्लिक करना तो इस तरीके से इंटरफेस आ जाएगा। तो पहले आपको अप्लाई में क्लिक करना होगा, तो अप्लाई में जब क्लिक करेंगे तो आपके लिए इतना बड़ा लंबा लिस्ट मिलेगा। आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उसके आप एडवर्टाइजमेंट नंबर देख लीजिए। ठीक है, एडवर्टाइजमेंट नंबर कितना है, 06-2023। तो 06-2023 आपको कहाँ पे मिलेगा, आप यहाँ पे एक बार चेकआउट करिए, देखिए 06-2023 यहाँ पे आपको मिल गया है। इस पोस्ट के राइट साइड में अप्लाई बटन दिख रहा है तो अप्लाई में क्लिक करिए। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करना है, तो न्यू रजिस्ट्रेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपका मतलब पोस्ट डालिए, उसके बाद आपका फोन नंबर डालिए, और उसके बाद आप यहाँ पे कैप्चर कोड डालिए, उसके बाद आप सबमिट करिए। तो पहले रजिस्टर करना होगा, उसके बाद आपको बाकी डिटेल्स भरना होगा। तो आई होप वीडियो में आपको सारी जानकारी मिल चुके हैं। वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर भी करना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।